को मेरे खिलाफ बुला लिए और सबको इतनी गाली गलौज दिलवाए, माँ बहन से लेके सबको, और यह कहना कि घर में ढुक के मार दो, मारेंगे ज़रूर। तो इसके बीच में इतना मेंटल टॉर्चर हुआ, तो ये तो जनता की देन है और आप लोगों की ब्लेसिंग है। डर किस बात का? डर लगता तो मधेपुरा सुपौल छोड़ते मुके से, आपको लगता है? कोरोना में नहीं डरे, 46 लाख लोग मर गया पटना के बाहर में, और पूरी बिहार की माफियाओं से लड़ने वाला व्यक्ति आप जानते हैं, हर जगह उसके खिलाफ संघर्ष करने वाला। और पूर्णिया को मैंने हस्तिनापुर की गद्दी छोड़ दी और पूर्णिया को मैंने अपना माँ के रूप में चुन लिया और निर्णय लिया अकेले चलने का। आपको लगता है आज हॉट सीट क्यों है? ये देन है इस पूर्णिया के हर जाति धर्म मजहब के लोगों का। उसने कहा नो, नहीं भरा है, कोई बीजेपी, कोई नरेंद्र मोदी, कोई नीतीश, कोई लालू, कोई दल नहीं, पप्पू, सिर्फ पप्पू, सिर्फ पप्पू। तीन दिन कैंप कर रहे थे, बड़ा बवाल हुआ, पूरा देश देखा, क्या मामला? आप खुद देखिए ना, आप उन्हीं को देखिए ना, यहाँ क्या कर रहे थे। 50-60 MLA थे ना, 9 MLC थे ना, सारी जगह, 8 जगह, उसके बाद बाय रोड कहाँ कहाँ नहीं गए। तो पहले भी ना उनके पिताजी कैंप किए थे, तो 53,000 वोट आया था, 57,000, एक बार आया 20,000, एक बार 28,000, एक बार महाराजा कैंप किए, एक बार राजा कैंप किए, और अपने कोई बहुत अहंकार में रहते हैं। इनको लगता है जो मैं कह दूँ, मूर्ख है जनता, सभी लोगों को जनता मूर्ख समझ, जनता को मूर्ख समझती है। सब लोगों को लगता है पैसे से सब कुछ होता है, जात से ही होता है। मैंने देखा है नो मनी, नो कास्ट, नो रिलीजन, नो हिंदू मुसलमान। सर, क्या राजपूत, क्या ब्राह्मण, क्या भूमिहार, क्या गंगोत्री, क्या कुशवाहा, क्या मुसलमान, क्या दलित, क्या बैकवर्ड, क्या फॉरवर्ड, क्या सिख, सर सब, एवरी वन पप्पू। आपने कहा अभी कुछ देर पहले कि पूर्णिया जो है महाभारत, महाभारत की स्क्रिप्ट किसी ने आके लिखा, पटना में लिखा, मेरे कांग्रेस से मिले के बाद लिखा। पहले हम बहुत अच्छे थे और उस महाभारत के स्क्रिप्ट को महाभारत के रूप में पूर्णिया में आकर के उसने अपनी सारी ताकत अहंकार को दिखाई। जितनी हैसियत थी उसने औकात अपनी लगा दी। अब उस महाभारत की पूरी स्क्रिप्ट की कथा 4 जून के बाद पूर्णिया की जनता के इतिहास गई, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके